गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। आज होने वाली है मेरी जिम का 57वां दिन और आज मैं लगाने वाला हूँ अपना शोल्डर। तो शोल्डर स्टार्ट करने से पहले मैंने किया थोड़ा बहुत वार्म अप। मैंने किया स्कीपिंग। स्कीपिंग लगाने के बाद मैंने लगाई पुशअप्स। लगाई मैंने 25 का एक सेट। वो सब कम्प्लीट करने के बाद ये होने वाली हमारी आज की पहली एक्सरसाइज जो की है डम्बल प्रेस। सेट लगा मैंने इसके 4 और रेपिटेशन रहे इसके 12। नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि है फ्रंट वी हैंडल पुश प्रेस। ये काफी बढ़िया और बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके सेट लगाए मैंने 3 और रेपिटेशन रहे इसके 16। इसके बाद नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि है डंबल प्रेस। इसके सेट लगाए मैंने 5 और रेपिटेशन रहे इसके 12। शोल्डर्स के वर्कआउट में मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट एक्सरसाइज यही है। नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि है लेटरल राइजेस। सेट लगा मैंने इसके 4 और रेपिटेशन लगाए इसके 12। स्टार्टिंग और लास्ट वेट था इसका 10 kg। इसके बाद नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि अर्नोल्ड प्रेस। सेट लगा मैंने इसके 4 और रेपिटेशन लगाए इसके 12। नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 जो कि फ्रेड डंबल राइजेस। सेट लगा मैंने इसके 4 और रेपिटेशन लगाए इसके 12। नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज नंबर 7 जो कि सर्जेस। लगा मैंने इसके 4 और रेपिटेशन लगाए इसके 16। और जितनी भी मैंने एक्सरसाइज वगैरह की है सारे के सारे सुपर सेट है। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज नंबर 8 जो कि फ्रंट बारबेल पुश प्रेस। सेट मैंने इसके लगाए 4 और रेपिटेशन लगाए इसके 12। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 जो कि वेंट ओवर बटरफ्लाई। सेट मैंने इसके लगाए 4 और रेपिटेशन लगाए इसके 22। नेक्स्ट है अपनी आज की लास्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज नंबर 10। गाइस इसका नाम मुझे पता नहीं लेकिन इसके सेट लगा मैंने 4 और रेपिटेशन लगाए इसके 15 के 4। और इसी के साथ मैंने किया वर्कआउट फिनिश और मैं निकल आया अपने घर की ओर।